वेलकम बैक। आई एम राकेश फ्रॉम फाइव फिटनेस। नोटिस कीजिएगा, इस चैनल का नाम है फाइव फिटनेस, जिसके ऊपर मैं ब्रांड टी शर्ट बना कर रखा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मेरा जो मेन टॉपिक चल रहा है, बिना इक्विपमेंट का वर्कआउट करना, बिना इक्विपमेंट का मसल्स को ब्रेक डाउन करना, बिना जिम गए अच्छे से अच्छे आपको मन चाहा मसल्स पाना। तो दोस्तों, आज का विषय है बाइसेप। तो बाइसेप को ट्रेन करने के लिए हम क्या क्या घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, तो आपका वीडियो में ये बताऊं कि बिना जिम गए हुए घर पे बाइसेप कैसे ट्रेन कर सकते, तो बहुत ही अच्छा बाइसेप बने। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी प्लीज, वीडियो का शुरुआत है, हमारा चैनल का शुरुआत है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ना दबाएं, और दोस्तों जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ अनदर लोग भी इस वीडियोस के द्वारा अपने बॉडी बना सके। तो चलते हैं इसका वीडियो की तरफ, मिलते हैं फिर। ओके स्टार्ट। तो दोस्तों, ये हमारा है वर्कआउट पार्टनर आज का, मिस्टर गौतम। तो इनके द्वारा ये हमारे सपोर्टेड, किसी पर डंबल नहीं है, जिम नहीं है, तो हम ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार का वेट हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो थोड़ा वेटेड हो, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, जो आप खुद तय कर सकते हैं। दोनों हाथों वेट इक्वल होना चाहिए। आज करेंगे इसे होता हम डंबल कर या ईंट कर्ल, नाम लगते इसका ईंट कर्ल हो गया। ईंट कर्ल से क्या करेंगे, आपको बॉडी स्ट्रेट लेवल रहेंगे, और बॉडी स्ट्रेट रहेगा, नीचे लग जाओ, एल्बो से आपको मूवमेंट करना है। यहाँ के अपेक्षा किसी बाइसेप और शोल्डर का मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहीं से मूवमेंट होती है, छाती बाहर है, यहाँ से मूवमेंट करके फुल रेंज है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट करना। जैसे कि देखिए, ये पूरा कॉन्ट्रेक्शन होगा, यहाँ पे गैपिंग आपको फील होनी चाहिए कि यहाँ पे अब ऊपर नहीं जाएगा, और स्लो मोशन नीचे वहाँ तक लाना, मसल्स को पूरी तरह से इस तरह से रिलैक्स नहीं करना, ऐसा पूरा स्ट्रेट हैंड स्ट्रेट नहीं करना, हल्का सा बैंड रखना ताकि मसल कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यू रखे। तो इस तरह से मूवमेंट करना, स्लो डाउन, स्लो अप। तो दोस्तों, इसी टाइप से आपका 15 से 20 रेपिटेशन का 3 अथवा 4 सेट कर सकते हैं। इससे आपको बाइसेप ब्रेकाई जो मसल्स है बहुत ही अच्छा ट्रेन होगा, A1 नंबर की ट्रेन होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ चलता हूँ अगले एक्सरसाइज के लिए, कि बाइसेप के ट्रेन के लिए अगला एक्सरसाइज क्या करेंगे, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेट कर्ल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर्ल के लिए हम क्या करेंगे, आप घर में अगर हो तो किसी प्रकार टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या टेरिस की जो छत होती है, सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ सुविधा नहीं है इस टाइप का, वो भी आपको करके बता, जब नहीं हो तो कैसे करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं, बेक आर्च के पोजिशन में आपको छाती बाहर रहेगी, इस तरह से आपको खड़े हो जाना है, वो हाथ रहेंगे, एक दूसरा हाथ जो इस पर रख लेना सपोर्ट के लिए, ताकि बॉडी नीचे झुक ना जाए। अब पहला हाथ जो है जिस पर डंबल है, ईंट रहेगी, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, इस पर सेम पोज है, अगर ये मूवमेंट भले ही है बट यहाँ से ज्वाइंट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एल्बो को मूवमेंट करना इस तरह से, ये भाग आपको हिलना नहीं है, बाइसेप का जो भाग है हिलाना नहीं है, फिक्स कर देना, एल्बो से आपको अप एंड डाउन मूवमेंट करना है। इस तरह से आपको सिर्फ 10 रिपीटेशन मारते तो आपको इफेक्ट मालूम पड़ने लग जाएगा कि कितना जोरदार इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों, इसका भी 15-15 का आप 4 सेट और 3 सेट कर सकते हैं। वेट पे आपको करना है, तो वेट किस तरह से लेना है, ओके। इसके साथ आपको लेके जाता बाइसेप एक्सरसाइज, अगला एक्सरसाइज है जिसका नाम है हैमर, हैमर कर्ल। तो हैमर कर्ल आप इस ईंट के द्वारा हम कैसे करेंगे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों, सेम वही ब्रेक्स होते हैं, वही ईंट दोनों हाथ रखना, बॉडी स्ट्रेट रखनी है, एक आर्म जैसे कि हर बाइसेप एक ही पे है, ये आपको मूवमेंट नहीं करना, बाइसेप का भाव मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ एल्बो से मूवमेंट करनी है, और दोनों हैमर ग्रिप, मतलब बाइसेप में एक कर्ल होती है, एक ग्रिप होता था, हैमर में ऐसा पकड़ना आपको, देख रहे जिस तरह से, और सीधा स्ट्रेट ट्रैवल करना है, इस तरह से ट्रैवल करना है। इसकी वजह से अपना दो मसल ट्रेन होते हैं, बाइसेप ब्रेकाई भी होते हैं, बाइसेप ब्रेक क्यू रेडियल इस मसल्स का नाम है, वो भी ट्रेन होती है जो मूवमेंट करता है। तो ये देख रहे हैं आप नशे, यहाँ पे देख रहे हैं मसल्स कैसा अलग से साइड हो रही है, ये मसल्स को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलती है, तो हेमल कर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ साथ इसका भी आप 15-15 के अथवा 20 का 3 अथवा 4 सेट लगाइएगा, रिपीटेशन 15 से 20 होना चाहिए, बट सेट आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला बाइसेप जो ट्रेन करने के लिए लेके चलता है रिवर्स कर्ल के लिए, रिवर्स कर्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बाइसेप ब्रेक क्यू रेडियल इसके लिए हो जाती है। तो ट्रेन बताता हूँ किस तरह से करते हैं, सेम वही वेट का इस्तेमाल करना, वही वेट का इस्तेमाल, खड़े होना, बट ग्रिपिंग जो होती है इसको प्रोन ग्रिप बोलते हैं, इसको सुपाएंगे तो प्रोन ग्रिप में आपको वेट हो या डंबल हो किसी का वेट पकड़ना है, और सीधा ट्रैवल आपको सेम एल्बो से करना है, यहाँ पे आपको बाइसेप मूवमेंट नहीं होना, शोल्डर से मूवमेंट होना चाहिए, सेम इस तरह पूरी रेंज में ऊपर ले जाना, और स्लो नीचे पूरा रिलैक्स नहीं कर देना, हल्का सा बैंड पकड़ के रखना है। दोस्तों, इसका भी सेम 15 से 20 रिपीटेशन 3 से 4 सेट करना, रिलैक्स, ओके।
सिर्फ ये वीडियो से आपको बताने के लिए तीन चार रेपिटेशन कर रहे हैं, ज़्यादा आपको नहीं पता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो दोस्तों बाइसेप के लिए था 4 से 5 वर्कआउट जो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगा। लेकिन फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, किसी प्रकार रिजल्ट के लिए मसल के डाइट होना बहुत जरूरी है। और डाइट के बारे में नॉलेज तो आप किसी डाइजिशन से पूछ लीजिए, तो मुझसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको डाइट प्लान मिलेगा। तो दोस्तों बताइए आपका ये आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।